फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल द सचिन ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड, ट्रेन नंबर वो सारा कुछ आपको बाद में दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन यह कश्मीरी गेट की तरफ पड़ता है रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड चलते हैं अंदर, उसके बाद आपको सारा कुछ सीन समझाते हैं। ट्रेन पुणे से 5:20 से शाम को निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 9:55 पर जम्मू तभी पहुंचा देती है। हमारे बड़े भाई सब लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हाय, जैसे जय विवेक, मिलवाते हैं अपने मित्र सूरज से जो बिहार से आए हैं। देखते हैं उनका कहना क्या कहते हैं, यहाँ से दिल्ली से जो है वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। आइए उनसे सुनते हैं। हाँ तो सूरज भाई, आप बताइए, यहाँ से वैष्णो देवी के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे कैसा महसूस करोगे? पिछले साल गए थे तो बहुत मज़ा आया था, इस बार भी मज़ा आएगा। अब सब लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं, कोई एंजॉय करते हुए आएंगे। माता रानी से यही दुआ है तो हम लोग की यात्रा सफल हो। अच्छा जी, तो आप जब पिछली बार गए थे तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जनवरी के अलावा और किसी महीने में बर्फ़ नहीं गिरती है, लेकिन आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा मानना है सर कि जनवरी क्या, जब मार्च में भी जाओ तो सिर्फ उतनी तो ठंडी होती है जितनी नॉर्मल यहाँ होती है। अच्छा जी, जैसे लेकिन पर मज़ा बर्फ़ हो या कुछ हो सर, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि ठंड है या गर्मी है, बस माता रानी के दर्शन। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप जब माता रानी के भवन तक पहुँच जाते हो तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, कैसा खाना मिलता है कैसा नहीं मिलता है, तो आप मेरे दर्शकों को बताएंगे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, खाना पीना क्या व्यवस्था मतलब हर तरह की तरह से अच्छी होती है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रकार की खाने मिलती है, मतलब जो चाहो वो मिलेगा, साफ़ सफाई सब कुछ मिलता है, मतलब शुद्ध खाना मिलता है। जी हाँ, वहाँ पे अगर आप लोग वहाँ घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, जनवरी हो या फरवरी हो, मार्च अप्रैल, किसी भी महीने में आप जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आपको बर्फ़बारी देखनी है तो आप दिसंबर में जाइए, 25 और 30 दिसंबर के बीच में अपना टिकट कराइए, आपको वहाँ पे 100% बर्फ देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको स्नोफॉल भी मिल जाए। और पूछते हैं हमारे एक और मित्र हैं, जी आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर यूपी से। अच्छा जी, तो आपके साथ कौन कौन है? हमारे मित्रगण हैं सब। अच्छा जी, तो आप माता रानी के जाते जाते कितने दिन हो गए आपको? ये तीसरी बार जा रहे हैं हम। जब तीसरी बार जा रहे हैं तो आप वहाँ जाते हो, आपको वहाँ अच्छा लगता है या कुछ और उद्देश्य से जाते हो? क्या माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं? हाँ, मनोकामना पूरी करती हैं माता रानी, और इन्जॉय करने जाते हैं। अच्छा है, वैष्णो देवी हम लोग जा तो रहे हैं पर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ग्रुप के साथ। ये हमारे विवेक सर हैं, ये हमारे उमेश भाई हैं, ये संजय भाई हैं, ये भी हमारे विजय भाई हैं। हम लोग सारे 7 बंदे ग्रुप है और हम लोग हर साल न्यू ईयर पे जाते हैं माता रानी को दर्शन करने। और माता रानी से मैं यही चाहता हूँ कि माता रानी मेरे को हर साल बुलाते रहें और मैं हर साल सुखी रहूँ, ताकि मैं माता रानी के दरबार में जा सकूँ और वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग होती है जैसे लगता है मैं जन्नत में आ गया हूँ। बस इसी माता रानी से ये दुआ है। आप देख रहे हैं द सचिन ब्लॉग्स, अगर आपको पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि हम 7 दोस्त जा रहे हैं वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कितनी वहाँ बर्फ़ है, क्या होता है रहने से लेकर के उठने बैठने नहाने धोने से लेकर के कैसी यात्रा रही, कैसे आपको जाना है, कैसे आप और अच्छा बना सकते हैं। और हम आपको हर स्टेशन के बारे में बताते चलेंगे अगर हमें अगर गाड़ी रुकी तो। ठीक है, आप और पूछते हमारे एक और दोस्त हैं। जी आप कहाँ से आए हो? मैं हरदोई यूपी से हूँ और माता रानी के दरबार में जा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे, और हर बार की तरह मैं न्यू ईयर पे मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए द सचिन ब्लॉग के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें प्लीज़। अभी आप देख रहे थे यह इंट्रोडक्शन हमारे बड़े भाई ने सब अपने दोस्तों के साथ करवाया था। तो फ्रेंड, प्यार
माँ बहना न भूलें और जय माता की। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड। गाड़ी हमारी थोड़ी सी लेट ज़रूर है पर टाइम पे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं गाड़ी के बारे में, ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितना टाइम लगता है। आज की जो जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 01077 पुणे एक्सप्रेस में, जो रोज़ाना शाम 5:20 से पुणे जंक्शन से निकलती है और आपको अगले दिन दिल्ली शाम 9:55 पर पहुंचा देती है, और आपको अगले दिन पठानकोट सुबह 7 बजे पहुंचा देती है, और 9:55 पर जम्मू तभी पहुंचा देती है यह ट्रेन। और अभी तेजस एक्सप्रेस बंद है, तो ये है इसका लोकोमोटिव, जो COVID-19 की वजह से बंद चल रही है। अब देखते हैं कब होती है चालू। अभी ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट लेट थी और यह 9:47 पर आ गई थी नई दिल्ली प्लेटफॉर्म 4 पर। ये रही पीछे ट्रेन और इसका यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये यहाँ से। फ्रेंड, आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और आपके लिए कामना करके आएंगे माता रानी से कि आप पूरे साल सुख अपने परिवार के साथ रहें। और फ्रेंड, अब बात करते हैं हम इस ट्रेन की। तो फ्रेंड, अभी इस टाइम पे मैं हूँ पानीपत, हमारी ट्रेन आ गई है 12 बजे, पानीपत आ गई है, 12:08 हुए हैं और हम पानीपत हैं, येरा रेलवे स्टेशन। और फ्रेंड, आप पूरे साल खुश रहें, ये हम माता रानी से दुआ करके आएंगे, ठीक। और अपना प्यार देना हमें न भूलें प्लीज़। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे आने वाली जो माता की जो जर्नी है वो आप देख सकें पूरी जर्नी। तो फ्रेंड, आपके और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड, गाड़ी चल रही है तो फ्रेंड चलते हैं। यह अम्बाला पहुंच चुकी है, यह अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट है। ऐसे यहाँ पर 2 बजे आना चाहिए था और यहाँ पर 3 बजे आ रही है, तो अभी 1 घंटा यहाँ पर लेट है। और इस यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है इस जगह, ये अम्बाला सिटी, यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये यहाँ से जाएगी। और कोहरा आप देख सकते हो कितना, बहुत ज़्यादा कोहरा है। अभी टाइम हुआ है 3 बजा है पूरा। मिलते हैं आगे। ये लुधियाना पहुंच चुकी है फ्रेंड, और यह सुबह 5 बजे मॉर्निंग में आई है लुधियाना, थोड़ी लेट तो चली रही है। ये खड़ी है पीछे ट्रेन, यहाँ पर इसका 8 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये यहाँ से जाएगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं फॉग है, लाइट भी। आप कोई नहीं लेट, जिसको लेट ना लेट जाओ, पहले तो हम जा रहे भाई, हम भाई बैठा नहीं जा रहा। लगाऊंगा
सुबह के बजे हैं 8:45 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है पठानकोट। ये रहा प्लेटफॉर्म, ये D2 पीछे लगा हुआ था, बहुत 2 घंटे लेट है। ऐसे यहाँ पर 7 बजे आना चाहिए था और यह 9 बजे आई है। पठानकोट इसका 5 मिनट का होल्ड है, यहाँ 5 मिनट रुकेगी उसके बाद जाएगी। शायद सिग्नल मिल गया है। और आपको वॉशरूम के बारे में कोई ख़ास नहीं था इसलिए वॉशरूम नहीं दिखा पाया। और आगे वाली जो जर्नी अब होगी बहुत ही बेस्ट होगी क्योंकि मौसम एकदम साफ है। चलते हैं। हेलो गाइस, हम जो है भरौली निकल चुके हैं। करीब 2 से 2.5 घंटा जो है ट्रेन लेट हुई है, तो जो है थोड़ा भूख चाय नाश्ता होना चाहिए, तो फिलहाल चाय तो नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन जो कुछ खाना लेके आए थे वही खा रहे हैं। ये हमारे मित्र है सूरज, जो 2 से 2.5 घंटा ट्रेन लेट हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सूरज भाई? सर, कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो गई है। एक्चुअली जो हम लोग लेकर आए थे उसी से ब्रेकफास्ट हो रही है, हम लोगों की सफ़र तो अच्छी हो रही है, बट 2.5 घंटे गाड़ी लेट हो गई है। हम लोग काफ़ी सारे कुछ लेकर आए थे खाने के लिए, तो उसी को खा रहे हैं, ना तो चाय आ रही है ना कुछ आ रही है। 2 घंटे गाड़ी लेट हो गई है। कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन का असर है। और ये देखो भाई, जय माता दी, जय माता दी। और वो देखो भैया खा रहे हैं, नाश्ता चल रहा है अभी डालमोट का जो लेके आई थी।
कठुआ आ चुके हैं। 9:30 बजे हमारी ट्रेन कठुआ रेलवे स्टेशन पर आ गई है। ये रहा इसका प्लेटफॉर्म 1 पर आई है और यहाँ इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये यहाँ से जाएगी। कठुआ निकलने के बाद हमारी जो सिम शायद बंद हो जाएगी। कठुआ छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सब लोग बाहर निकल आए हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है इसलिए। और वीडियो में जो अभी हमने जो शॉट लिए थे, जो अभी आपने देखे, वो शॉट कमेंट में बताएं वो कैसे लगे आपको, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यात्रा पूरी ज़रूर देखें। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. नगर, इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये यहाँ से जाएगी। यह जम्बू तभी आ गई है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से यह 1 घंटा लेट थी। 11:45 बजे हैं, हाँ 11:45 बजे आ गई है अपने टाइम टेबल से 1 घंटा बाद। और फ्रेंड इसके अगर किराए की हम बात करें तो पुणे से और जम्बू तभी तक का सेकंड एसी का 2750 रुपये है और थर्ड एसी का 1890 रुपये है और स्लीपर का 715 रुपये है और 2S जिसे सेकंड स्लीपर बोलते हैं उसका 440 रुपये है। जो शॉट जो मैं आपने पहले भी देखे हैं वो शॉट कैसे लगे आपको, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, वो शॉट कैसे कमेंट में जरूर दो। और अब जो ट्रैक होने वाली है वो बहुत ही अच्छा ट्रैक होने वाला है, बस से पहाड़ों के स्टेशन से उतरने के बाद, स्टेशन से उतरने के बाद अगर आपने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये देखो हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है और आगे अभी आगे कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ये टेस्ट किया जा रहा है कोरोना ऐसे टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर 4 काउंटर हैं कोरोना टेस्ट के लिए, तो आप ध्यान रखें, आप जब भी हैं तो कोरोना टेस्ट करवा के ही यहाँ पर आएँ। यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो जाता है और 5 मिनट में रिपोर्ट भी दे देते हैं तुरंत, तो आप जब भी हैं तो कोरोना टेस्ट पहले से ही करवा के आएँ। नहीं तो यहाँ भी होता है, फ्री में होता है, होता है यहाँ पर भी फ्री में होता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये रहा जम्बू तभी रेलवे स्टेशन। तो बने रहें वीडियो के साथ,
अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो जर्नी है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी।